वेलकम बैक टू माई नीनूज़ किचन। तो आज बनाते हैं सूप, और सूप मैं बना रही हूँ यहाँ चुकंदर का और टमाटर का। तो यहाँ पर मैंने एक चुकंदर लिया है और ये तीन टमाटर लिए हैं, एक आंवला लिया है। आंवला आजकल बहुत आ रहा है और जाड़ों के सीजन में खाना भी बहुत अच्छा रहता है आंवला, तो मैंने एक आंवला भी डालना है इसमें। इसको मैं क्या करूँगी, चुकंदर को पहले घिस लूँगी। तो हमारे तीनों चीज़ों की प्रिपरेशन हो गई है, टमाटर भी कट गया है और ये मैंने चुकंदर भी घिस लिया है, आंवला भी घिस लिया है। अब हम इसको कुकर में डालकर बिसल लगाएंगे। तो सभी मटेरियल को मैंने कुकर में डाल दिया है और यहाँ पर मैं ये 2 गिलास इसमें पानी डालूँगी। 1 गिलास डाल दिया और 1 गिलास और डालूँगी और इसमें हल्का सा सॉल्ट डालकर इसको कम से कम 4-5 बिसल आने देंगे, ताकि ये पूरा इसका जो कलर और इसका जो सारे तत्व हैं अच्छे, वो इसमें पानी में अच्छे से घुल मिल जाएं और ये सारा अच्छा सा हेल्दी सा बन जाए। तो इसको हम 5-6 सीटी आने लेंगे। इसीलिए मैंने कद्दूकस करके डाला है, क्योंकि इससे बहुत जल्दी अच्छे से मिक्सअप हो जाता है पानी में। ये अगर हम पीसेस करके डालते हैं तो इतनी जल्दी नहीं मिक्सअप होता, तो इसलिए कद्दूकस करके ही डालिए जब भी आप सूप बनाइए चुकंदर का। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से बॉइल्ड हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको छान लेंगे अच्छे से, और छानने के बाद फिर हम इसको पकने के लिए दोबारा रखेंगे। तो इस तरह से मैं डाल डाल के इसको छानती रहूँगी और इसको दबा दबा के निकालूँगी नीचे कटोरे में। इस तरह से मैं सारा छान लूँगी। सकते हैं कि बिल्कुल सब छन गया है, और जैसे कि मैंने बताया था, इस तरह से हम करते रहेंगे तो ये सारा छन जाएगा और ये इस तरह से बचेगा। अगर ये बचे हुए को आप चाहते हैं कि आटे में मिलाकर इसको यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो इसको हम फेंक भी सकते हैं, क्योंकि सारा हमारा रस आ चुका है, बस इसका फाइबर फाइबर रह गया है। बाकी सारा जो इसका जूस होता है वो सब निकल चुका है। ये इस तरह से देखिए आप, तो इतना हमारा ये फाइबर निकल चुका है इसमें, और ये देखिए ये जूस हमारा इतना निकल गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, पकने के लिए रखेंगे, क्योंकि अभी ये देखिए पतला है काफ़ी, तो हम इसको थोड़ा सा थिक करेंगे मार्केट जैसा। बिल्कुल ये पकने के लिए रख दिया है, मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है, और इसमें हम मिलाएंगे कॉर्नफ्लोर। बिल्कुल मार्केट जैसा लगेगा और एकदम अच्छा सा टेस्ट भी आएगा और चिकना सा बनेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ये कॉर्नफ्लोर ला लिया। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि इसमें लम्स ना रहें। बिल्कुल देखिए कोई भी लम्स इसमें नहीं रहा है, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने इस तरह से। अब इसको हम इसी में, मेरा सूप बॉइल्ड हो रहा है उसी के अंदर मैं इसे ऐड कर दूंगी और इसको चलाती रहूँगी इस तरह से, अच्छे से पकने देंगे हम इसको। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे तरह से ये बॉइल्ड हो रहा है और थोड़ा थोड़ा गाढ़ा भी होता जा रहा है पहले से। तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, मैं इसमें ऐड करूँगी बटर। इसको हमें छोंकना वगैरह कुछ नहीं है, बस बटर ऐड करके और इसको और पकाना है। और इसी में मैं ऐड कर दूँगी काली मिर्च पाउडर, इससे भी ये मार्केट जैसा और अच्छा सा टेस्ट आता है। और अगर आपके पास आंवला नहीं है तो आप नींबू भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने आंवला ऐड कर रखा है तो पहले से ही खट्टा हो रखा है ये, तो इसमें हम इसमें खट्टे के लिए कुछ ऐड नहीं करेंगे। और देखिए अच्छा सा बनता जा रहा है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा। नमक मैंने बॉईल करने पे ही ऐड कर दिया था इसमें। गर्मा गर्म सूप बनकर तैयार हो गया। इसको मैंने धनिया पत्ता और इधर ये कद्दूकस करे हुए पनीर से इसको मैं डेकोरेट कर रही हूँ, और बहुत ही टेस्टी सा हेल्दी सा सूप बना हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, और पीने में तो अच्छा लगेगा ही। देखिए कितना गाढ़ा सा बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी सूप बना है। इस तरह से आप भी
जाड़ों में सूप इंजॉय कीजिए चुकंदर का, जो बहुत हेल्दी होता है। हम अक्सर सैलड में यूज़ करते हैं चुकंदर, या पर मैं तो घिसकर इसकी सब्जी भी बनाती हूँ। बहुत से लोग इसको सिर्फ सैलड में ही यूज़ करते हैं, तो अगर आप इसकी सब्जी नहीं खा सकते या सैलड नहीं खा सकते, इस तरह से चुकंदर और टमाटर और इसका आंवले का इसमें डालिए और फिर बनाइए, क्या स्वादिष्ट बनेगा सूप। और नहीं तो फिर आप आंवले की जगह नींबू भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप भी बनाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ मैं एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप सब भी सूप इंजॉय कीजिए।